आपकी जिंदगी को जिसने बर्बाद किया है, देखना देखना मैं उसका क्या हाल करता हूं। एक बात पूरी हुई नहीं कि दूसरी आ जाती है। क्या हुआ? पहले घर में जो घटनाएं होती थी वो तो अब रुक गई। जादू टोना, भूत कैसे आए, पर शुभ कार्य अभी तक पार नहीं पड़ता। और अब ये पुलिस की पूछताछ, जांच पड़ताल ये पीछे पड़ गई। ये थोड़ी ना कुछ अलग है। किसने कहा भूत प्रेत बुरी शक्तियाँ यहाँ नहीं है? जादू टोना टोटके बंद हो गए हैं। वो अजय ऐसे अचानक मर गया, कभी लगा था क्या? पर देखो, ठीक शादी के दिन ही उसका किसी ने खून कर दिया। ये ऐसे ही थोड़ी ना हुआ, जरूर उस पर किसी ने टोटका किया होगा। वो विश्वास राव बता रहा था ना कि उसे किसी ने मार दिया और फिर उसे पेड़ पर लटका दिया आत्महत्या दिखाने के लिए। मुझे पता है, जरूर किसी ने जादू टोना ही किया है उस पर। पर कौन करेगा ये? छाया के होने वाले पति को क्यों मारा होगा? वो मुझे नहीं पता, पर जरूर ये सब जादू टोने का ही काम है। पर अब छाया को संभालना होगा। बोलती नहीं, खाती नहीं, क्या हुआ पता नहीं, कम से कम रो तो लेती। मैं कुछ बोलूं? क्या? आप जरा छाया दीदी से दूर ही रहना। अब क्या हुआ? दोनों पतियों को खा लिया, घर के किसी और सदस्य की जान ले ली तो? सरिता मुंह पर काबू रखो। कुछ भी नहीं बोल रही, सही बोल रही हूँ, और जो भी हो रहा है आपके सामने ही हो रहा है ना। मुझे तो गणेशा की भी फिक्र हो रही है, उसे कहीं भेजना होगा दूर। बार बार बुआ बुआ करता रहता है। अरे बचपन से ही ऐसा है, वो बुआ से लगाव है उसे। ये लगाव चूल्हे में डालो, अब उसे भी समझाना होगा। क्यूरी, अगरबत्ती की खुशबू आ रही है क्या? हाँ, अभी इस वक्त किसने जलाई अगरबत्ती? रुको मैं देखता हूँ। अरे बाहर क्यों जा रहे हो, कुछ गड़बड़ हुई तो? तुम रुको, मैं देखता हूँ क्या है। समझ में नहीं आता, मैं बस
राह देख रही हूँ कि मेरी आंखें बंद हो जाए। अब मुझसे कुछ नहीं होता जी, बस एक बार सारे बच्चे एक साथ रहे फिर दिल को सुकून मिलेगा। अजी अजी कम से कम अब तो ध्यान दीजिए। अजी क्या कहती हूँ मैं, अजी नीलिमा, नींद नहीं आ रही है तुम्हें? इतनी रात को किताब पढ़ रही हूँ। अरे नींद नहीं आ रही इसलिए किताब पढ़ रही हूँ। मुझे तो नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। ए माधव, हम बाहर चलें क्या? नीलिमा देखो कितने बजे हैं। अरे देर कहाँ हुई है, और वैसे भी तुम्हें कहाँ नींद आती है एक दो बजे तक? हाँ अरे पर कहाँ जाएंगे हम? अरे ऐसे ही बाहर घूम कर आते हैं ना। बिल्कुल नहीं। ठीक है मैं जाती हूँ। अकेली? कोई जरूरत नहीं, हम मॉर्निंग वॉक पर चलेंगे। तुम चाहो तो तब तक किताब पढ़ो। अरे खाना खाने के बाद वॉक करना अच्छा होता है। लेकिन इस वक्त बाहर जाना ठीक नहीं है। हाँ और वैसे भी क्या क्या हो रहा है देख तो रही हो ना तुम, उसके बाद भी इस वक्त बाहर जाना मतलब। माधव। हाँ मुझे डर लगता है। और आर्चिस कहाँ है? होगा अंदर ही। गणेश ये क्या कर रहा है? हाँ किस लिए? बुआ को जिसने बर्बाद किया है मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। अरे तुझे कितनी बार बोला है कि ऐसा कुछ मत कर। हाँ अरे पहले ही कम तकलीफ है क्या जो तू ये कर रहा है? बोलना बोलना। अरे तेरे ऐसे बर्ताव से क्या होगा? क्या कुछ नहीं, वो विश्वास राव हाथ में बेड़िया डालकर ले जाएगा। तब क्या करेंगे हम? बोलना क्या करेंगे हम, बोल। अरे इससे कुछ नहीं होने वाला। हाँ देख देख छाया की हालत क्या हो गई है। तू इतना सब कर रहा है तो कुछ हुआ क्या उस पे असर? नहीं ना। अरे क्यों नहीं सुधरता तू, क्यों नहीं सुधरता? तू ऐसे नहीं मानने वाला। तुझे अच्छा सबक सिखाता हूं मैं, चल यहां से। अरे बाबा चल। अच्छा चलो नीलिमा तुम बैठो किताब पढ़ो, नींद आने लगे तो ऊपर आ जाना। मुझे तो नींद आ रही है मैं जा रहा हूँ। अरे गप्पे लड़ाते हैं ना माधव। नहीं नहीं प्लीज मैं जा रहा हूँ। ठीक है रुको मैं भी आ रही हूँ। माधव क्या हुआ? समझ नहीं आ रहा है, खून के जैसे लग रहे हैं। क्या है ये? मुझे पता है क्या है और कौन कर रहा है।
तेरे बेटे की करतूत है ये सब। ये सब यही कर रहा है, ये हाथ में देख रही हो ना, ये छाया के कमरे में बैठ कर कुछ मैं बुआ के लिए कर रहा हूँ। फिर से ये सब बोला ना, जान ले लूंगा तेरी। अरे क्या कर रहे हैं आप? चुप बैठ। दत्ता, इस दाग का और इसका क्या संबंध है? तू ही बता सबको कि ये क्या है। अरे बोलना चुप क्यों है? अरे अरे छोड़िए इसे। क्यों छोड़ू? हाँ बोलना, क्यों छोड़ू? ये घर को बर्बाद करना चाहता है, यही कर रहा है ये सब। वकील काका को भी इसी ने मारा होगा। इसी ने किया है ये सब। भैया ये क्या कह रहे हैं आप? गणेश क्यों मारेगा उनको? आपको कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी हुई है? हाँ? ये देखो, नीलिमा रुको, इस खून के जैसे दाग दीवार पर भी हैं। हे भगवान, गणेश अरे क्या चला रखा है? अरे राघु काका को बुलाओ, उनसे कहो वो ठीक करें ये सब। अब कोई मदद नहीं करेगा, राघु काका ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। ये कोई साधारण नहीं है। भैया आप जो कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग सुबह तक इंतजार करते हैं ना, अगर ये दाग सूख गए तो ये खून के ही है। अदरवाइज ये आखिर है क्या, इसकी जांच के लिए हमें सैंपल लैब में भेजने पड़ेंगे। नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी कर लो, इस घर में खुशियां नहीं आ सकती, ये पता चल गया मुझे। नाथा, नाथा। आया मालिक। क्या हुआ? ये ले, ये दूर फेंक करा। बोल रहा हूँ ना, ले। डैड, घर में वो खून के छींटे कैसे आए? क्या होगा वो? आर्चीज, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये हमारी समझ से परे है। पर जो हुआ वो हमारी आंखों के सामने हुआ। मुझे तो लगता है कि वो खून के दाग हमें कुछ बता रहे थे। किसी ने कुछ तो किया है। मतलब? शायद इस घर पर किसी की नजर है। कोई तो है जो इस घर का बुरा करने पर तुला हुआ है। ऐसा होता है। एक इंसान के साथ ऐसा ही हुआ था। वो अपने घर आया, उसने दरवाजा खोला और देखा कि दीवार से खून की नदी बह रही थी। एकदम लाल खून। फिर उसके कुछ दिनों बाद ही माधव, तुम भी डर गई ना? बंद करो अपनी ये स्टोरी टेलिंग प्लीज। आज इसको तुम ऐसी बातें मत बताया करो। और आर्चीज, ये जो भी हो रहा है ना, उसके पीछे कौन है वो जल्दी पता चलेगा, तो प्लीज उसके बारे में मत सोचो। डोंट वरी। हाँ, डोंट वरी। तुम भी फिक्र मत करना। हाँ,
माधव, अजी कहाँ गए थे? अरे वो दत्ता भैया ने कद्दू फेंकने के लिए कहा था, वही डालकर आ रहा हूँ। कैसा कद्दू? कैसा क्या मतलब? अरे हल्दी कुमकुम डाला था गणेश ने उस पर, वही फेंक कर आ रहा हूँ। हाँ आप यही कीजिए, कद्दू फेंकिए, नारियल फेंकिए, वो नींबू काट कर फेंकते हैं ना, उसे उठाइए, यही काम कीजिए। पर क्या जी, आप पर उस साय का असर हुआ तो ये लोग मदद करेंगे? नहीं ना, तो मैं जो कहती हूँ वही कीजिए। दत्ता भैया को बता दीजिए, मैं घर का नौकर तो हूँ पर ऐसे काम मैं नहीं करूँगा। खेत के काम बताओ, बाकी काम बताओ, पर ये सारे काम नहीं। अरे अरे तू ऐसी बातें मुझसे मत किया कर, तुझे पता है कि इस समय घर में क्या चल रहा है? क्या? अरे वो घर की दीवार पर खून के दाग थे, अब वो खून किसका था क्या पता। किसी का भी खून हो हमें क्या लेना देना। अरे लेकिन ये साधारण बात नहीं है। ये सच में साधारण नहीं है। इस घर के लोगों ने जिन जिन के जान ली है उन सबका खून है ये। जिसका भी ये खून है वो इनसे बदला जरूर लेगा। संभल कर रहना होगा। तूने अगर कुछ किया होगा तो तेरी भी खैर नहीं। अब गणेशा, इन्होंने मारा तो तुझे ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? अरे ये क्या, हाथ पर अब तक निशान है। रुक, हाँ हल्दी लगाती हूँ। पूर्वा जा बेटा, हल्दी लेकर आ जरा, बैठ। क्या रे, आई पर गुस्सा करेगा क्या? बैठ बोल रही हो ना, चल बैठ बैठ। अभी ठीक लगेगा तुझे? तेरे बाबा को तुझ पर गुस्सा है इसलिए नहीं मारते वो तुझे, उन्हें भी तेरी फिक्र होती है। ये सब करता है ना इसलिए, जब दीवार पर उन्होंने खून देखा तो तुझे मारा। वो विश्वास राव भी तुझ पर ही इल्जाम लगाएगा, इसलिए बता रही हूँ। छोड़ दे सब गणेशा, ये हमारा काम नहीं है। भैया आई क्या कह रही है एक बार सुन तो लो। अरे बाबा जब तुम्हें मारते हैं तब जितनी तकलीफ तुम्हें होती है उतनी तकलीफ आई को भी होती है। जरा उसकी आंखें तो देखो, कल रात से सोई नहीं है। भैया कम से कम आई के लिए तो ये सब करना छोड़ दो ना।
अन्ना चल बसे, वकील काका चल बसे, और आपका होने वाला दामाद तो शादी के पहले ही चल बसा। ये उन सबका खून है, पर ये खून यहाँ आया कैसे? किस लिए? ये खून ही अब घर के लोगों का खून पिएगा, जान ले लेगा एक एक की। हेलो आई, आज कैसे माँ की याद आ गई? आई वो, अरे बोलो क्या हुआ? आई यहाँ दीवार पर खून के दाग दिखे। खून के दाग? अरे खून के दाग कहाँ से आएंगे? आई सच में खून के दाग हैं। कैसे आए हैं कुछ पता ही नहीं। देविका जरा संभल के रहना, और अभिराम राव को भी ये समझा देना। अच्छा सुन, पिछली बार मैंने तुझे एक पुड़िया दी थी ना, याद है ना? वो पुड़िया रात को सोते समय अपने सिरहाने रखना, और ये बात किसी को बताना मत। हाँ ठीक है, रखती हूँ मैं। पर आई तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? ये किसी को भी मत बताना, वरना वो तो। अरे समझ गई मैं, और तू भी अपना ख्याल रखना, ठीक है? अच्छा अब मैं रखती हूँ फोन। मालिक, ओ मालिक। क्या रहना था, क्या हुआ? अरे क्यों बुलाया, बोलना। मालिक मुझे थोड़ी बात करनी थी। क्या हुआ, ऐसा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मालिक मैं अपने गांव जाने की सोच रहा हूँ। मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मुझे यहाँ डर लगता है। मालिक ऐसा डर? इस घर में जो चल रहा है ना उसका डर। कल तो दीवार पर खून के दाग भी थे। खून के दाग से तुझे डर लगता है? ऐसे कितनों का खून बहाया होगा तूने? मालिक आप ये क्या कह रहे हैं? झूठ बोल रहा हूँ क्या? सब कुछ कर लिया और अब गांव भागना चाहता है? अरे मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है, और इन सब में मुझे फंसना भी नहीं है। मालिक उसका फैसला तू नहीं कर सकता, वो विश्वास राव तुझे इस गाँव से जाने नहीं देगा। मैं उनसे बात करता हूँ। हाँ करता हूँ बात। तू बोलेगा तो वो तुझे छोड़ देगा ऐसा लगता है क्या? याद है ना नीलिमा भाभी मुंबई के लिए निकल रही थी, उन्हें भी रोका था उसने, तो तू कौन है? अरे उस विश्वास राव का शक सब पर है, तुझ पर भी। हमारे तलघर में जो कंकाल मिले हैं वो बाबा जिंदा थे तब के है, और उस वक्त तू बाबा के साथ था। पर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने सच में कुछ नहीं किया। वो पुलिस ढूंढ निकालेगी, वकील काका और अजय का खून किसने किया है वो भी समझेगा। पर अगर तू यहाँ से निकला तो सारा शक तुझ पर आएगा, इसलिए कह रहा हूँ भेजे से ये बात निकाल दे। जा काम कर। भाभी,
भाभी? हाँ, क्या हुआ? किन ख्यालों में खोई हैं आप? मुझे डर लगता है इस घर में यहाँ रहने से। अरे ऐसे क्यों बोल रही हो पूर्वा? सच में इससे पहले यहाँ होने वाली घटनाओं के बारे में सुना करती थी, पर सच बताऊं कभी विश्वास नहीं किया मैंने। सच बताऊं यहाँ आने के बाद सब अपनी आंखों से देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ। इस घर में शुभ कार्य होते ही नहीं है, कुछ ना कुछ विघ्न तो आ ही जाता है, और ये मैंने खुद अनुभव किया है। इस घर में अजीब घटनाएं होती थी इतना बस सुना था मैंने, पर कल वो खून के दाग वो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं पूर्वा। और ये सब क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। पूर्वा तुम्हें एक बात पूछूं, गुस्सा तो नहीं आएगा ना? बोलिए ना। गणेश जादू टोना करता है क्या? ये सब कहीं उसने? ऐसा नहीं है, गणेश जो कुछ भी कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हाँ हमें उसे समझाना होगा। नहीं, उसे कोई कितना भी समझाए वो नहीं सुनेगा। अरे पर पूर्वा, पर वो खून के दाग कहाँ से आए? मुझे पता है, मुझे सब पता है। क्या पता है तुझे? मुझे सब पता है पांडू, दीवार पर खून के दाग कहाँ से आए ये तुझे पता है? हाँ, गांव में इससे पहले भी ऐसा हुआ था। एक बारी में सब लोग ऐसे सोए थे, सुबह मुर्गे ने बांग दी, उसमें से एक की नींद खुली, उसने आंखें खोली और सामने देख के चीख पड़ा। पांडू आखिर हुआ क्या था? गोबर से बने हुए घर की दीवारें लाल हो गई थी, पूरा लाल, हर जगह खून फैला हुआ था, सब लोग डर गए ये कैसे हो गया। और फिर उस घर की मालकिन मर गई मालकिन। घर की दीवार लाल हुई ना, खून आया ना, तो घर की मालकिन मर जाती है, उसकी जान चली जाती है। मतलब? जी ऐसे चुप क्यों बैठे हैं? देख रहे हैं ना, घर में खून के दाग दिख रहे हैं। आप बताइए ना किसका खून है? फिर से ऐसा कुछ तो नहीं होगा ना? आप ये सब होने से रोकिए, अब मुझसे और कुछ नहीं होगा। सुश्ल्या और उसकी आई सेवंता मिलकर ये सब कर रही है। पहले नेने भाऊजी की जान ली, फिर अजय को मारा, अब घर में से किसी न किसी की जान लेंगे। उसके पहले उसे बाहर निकालो। सुश्ले अगर बाहर गई ना, तभी उसकी आई सेवंता हमारा पीछा छोड़ेगी। क्या कह रही हूँ मैं? सुन रहे हैं ना? क्या? अरे बोलिए। अरे भाभी इसकी थोड़ी धार तेज कर दीजिए, सब्जी कट ही नहीं रही है।
उस दिन मैंने भी सोचा था कि इन्हें तालुका भेजूंगी और नया सरौता मंगवाऊंगी, पर कुछ याद ही नहीं रहता है। कैसे रहेगा? आपके दिमाग में क्या कम चिंताएं हैं? एकदम सच कहा तूने। अच्छा, चाय दीदी को चाय देकर आएगी क्या? अरे वो कहाँ कुछ खाने वाली हैं। अरे ऐसे कितने दिन रहेंगी वो? जो हुआ सो हुआ। सच कहा भाभी आपने, अब नसीब में जो लिखा है वही होगा। अब आप खुद का ही देखिए, आपको कहाँ कुछ मिला? सही कहा। अरे वो तो छोड़, छाया दीदी की शादी के वक्त आईने गहने निकाले थे, एक भी गहना दिया क्या मुझे? पर गहने छिपाकर करेंगी क्या? जाते वक्त साथ ले जाएंगी ना, कौन क्या बोलेगा उनको। भाभी आई के लिए चाय ले जानी है। खुद ले लोगी क्या तुम? कितने काम बाकी हैं, देख रही हो ना? आप मुझे बताइए ना, मैं मदद करती हूँ। नहीं नहीं, तुम चाय देकर आओ। आती हूँ। ये सारी सेवा गहनों के लिए हो रही है, समझी यमुना? समझ गई ना तू? सच कहा भाभी आपने। समझ गई ना? चल सब्जी काट। आप उस शिष्या को घर से बाहर निकालेंगे ऐसा कहा था ना, फिर अभी तक वो इस घर में क्यों है? वो शुश्ल्या जिस दिन घर से बाहर निकलेगी उस दिन इस घर का भला होगा, तभी शेवंता घर से बाहर निकलेगी। पर आप कुछ कीजिए ना, आज घर में खून के दाग मिले हैं, कल दोनों मिलकर हमें मार देंगी। आई चाय। शेवंता आई मैं। हाँ ये है तू, तुझे बताया था ना घर में कदम मत रखना, फिर भी आई। आई मेरा हाथ नहीं छोड़ूंगी मैं, तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगी। तुम दोनों मिलकर मेरे घर को बर्बाद करोगी। आई हाथ छोड़िए, दर्द हो रहा है। क्या चाहिए तुझे? क्या चाहिए? गहने चाहिए? घर चाहिए? मैं जिंदा हूँ तब तक तुझे कुछ नहीं मिलेगा, समझ गई तू? तुझे क्या लगा? आई छोड़िए, तुझे क्या लगा? अरे रुक, कहाँ भाग रही है? रुक रुक, तुझे छोड़ूंगी नहीं। देविका, क्या बात है, क्या हुआ? देविका क्या हुआ? अरे अरे शांत हो जाओ, रो मत रो मत रो मत, मुझे बताओ क्या हुआ? भाभी मुझे बहुत डर लग रहा है। देविका ये किसने किया? मुझे शेवंता समझकर आई ने जोर से हाथ पकड़ा। मैं तो उनके पास गई थी चाय देने, मैंने उन्हें बताने की बहुत कोशिश की, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, उन्होंने मेरा हाथ जकड़ कर रखा। मैंने कैसे तो हाथ छुड़ाया उनसे। समझ गई मैं, आई को फिर से दौरे पड़ रहे हैं। शेवंता गई, भाग गई।
आवाज सुन रही हैं क्या आप? शेवंता शेवंता ऐसा कुछ सुनाई दे रहा है। तू काम करना। देविका, अरे ऐसे रोने से कुछ होने वाला है क्या? तुमने शादी से पहले क्या कहा था कि तुम किसी से भी नहीं डरती और तुम्हें इस घर में बहू बनकर आना है, और आज तुम रो रही हो। देविका, ऐसे ऐसे रोने से कैसे चलेगा? देखो आई बीमार है, उन्हें मानसिक तकलीफ है, और इसीलिए उनके सामने जो भी आता है उसे वो शेवंता समझती और डांटने लगती है। इससे पहले भी उन्होंने सरिता को शेवंता समझकर घर से बाहर निकाला था। मतलब उन्होंने अगर मुझे भी घर से बाहर निकाला तो मेरी जान ले ली अगर शेवंता समझकर तो? अरे ऐसे कैसे होगा, हम सब है ना यहाँ पर। देखो हम सबको मिलकर आई को इन सब से बाहर निकालना होगा। अगर हम ही डर जाएंगे तो कैसे चलेगा? तुम बाहर जाओ, मैं देखती हूँ। नहीं भाभी, आप मत जाइए, आपको भी नहीं तो मुझे कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत। नहीं भाभी। देविका जाओ, मैं आती हूँ। सरिता। हाँ क्या री, खाना बन गया क्या? हाँ बस अब साफ सफाई कर लूँ फिर परोसती हूँ। हाँ अरे रुक, सरिता ये आवाज आई की है, शुरू हो गया फिर से। आप चाय लो। हाँ नहीं रेंदो, क्या हुआ है देखना चाहिए। शेवंता, शेवंता! आई नीलिमा, शेवंता यहाँ थी इस कमरे में। आई वो शेवंता नहीं थी, देविका थी। नहीं शेवंता ही थी, वो इस घर में आने की कोशिश कर रही है, उसे इस घर पर कब्जा करना है, इसीलिए उसने अपनी बच्ची को भेजा और अब खुद घर में घुसना चाहती है। आई मेरी तरफ देखिए, आई मेरी तरफ देखिए, इस कमरे में मेरे और आपके अलावा कोई है क्या? नहीं है। अरे नहीं कैसे, यही थी वो, इनसे पूछ, इन्होंने देखा है। आई आपको आभास हुआ होगा, आप यहाँ आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, आई बैठिए ना बैठिए, मैं पानी देती हूँ आपको, रुकिए। आई पानी लीजिए। आई आई क्या हुआ आई? अरे शेवंता यहाँ आई थी, वो इस घर का भला नहीं होने देगी, दीवार पर का खून देखा ना, ये सब उसी का किया हुआ है। आई आप जरा आराम करेंगी? हाँ आप आराम करिए। भाभी देख रही है ना यहाँ क्या हो रहा है, सुनो सब कुछ शेवंता ने ही किया है, आपने खामखा गणेशा को मारा। सरिता सरिता आई के सामने ऐसा कुछ भी मत बोलो। और अब क्या करें, आप देख रही है ना उन्हें फिर से दोहरे आने लगे हैं। क्यों री, अंगारा ले रही है ना आई? हाँ पर उस बाबा के अंगारा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा ऐसा लग रहा है मुझे, वो रोज लेना पड़ता है। देखा ना आपने, मुझे विश्वास नहीं है, मुझे विश्वास नहीं है, ये कहने वाली विश्वास करने लगी क्या? चुप बैठ। आई भैया उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए, आराम करने दीजिए, क्या करना है वो हम बाहर जाकर तय करते हैं। आइए
अब हम ज्यादा दिन यहाँ नहीं रुकेंगे, एक बार इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए फिर हम लोग। चल पूर्वा, हम नीचे जाकर बैठते हैं। रुको यहीं। कहाँ जा रहे हो? मैं यहाँ बैठी हूँ इसलिए जा रहे हो? तुम रुको यहाँ, मैं जाती हूँ। नहीं नहीं, तुम बैठो यहाँ, हम लोग जाते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हो? बहुत गुस्सा है मुझ पर। जो भी झगड़े हैं ना वो बड़ों के साथ, तुम लोगों के साथ क्या झगड़ना? देखो सुषमा, वैसे भी तुम्हारे और घर वालों के संबंध कुछ खास अच्छे नहीं है, और जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार तुम भी हो। मैं? मैंने क्या किया है? जो कुछ भी किया है तुम्हारे घर के लोगों ने किया है। पहले मेरी आई को मारा, फिर वकील काका को मारा, और अब खुद की बहन के होने वाले पति को ही मारा। इनफ, ज्यादा मत बोलो। हमारे घर से किसी ने भी कुछ भी नहीं किया है, यू गेट दैट? ऐसा तुम्हें लगता है, पर सच क्या है पता चल जाएगा। देखो सुषमा, मैं आर्चीज, हम नीचे चलते हैं, यहाँ रुकना ही नहीं चाहिए था। संभल के रहना होगा। अन्ना, वकील काका और अजय, इनके भूत घूम रहे बाड़े में। किसी के बुलाते ही आ जाएंगे बाड़े में।